अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ जुनैद फरीद एंड यू आर वाचिंग मिस्टर टूरिस्ट FTMJ। आज का व्लॉग मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है और हर मोटो व्लॉगर के लिए स्पेशल होता है, और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मेरे पास था होंडा CD70, तो वो भी ठीक है, उसकी राइड अच्छी होती है, लेकिन आपको पता है लॉन्ग पे जाने के लिए एक अच्छा और कंफर्टेबल बाइक चाहिए होता है। तो मेरे पास CD70 था और मुदस्सिर भाई के पास होंडा 125 था, जिस पर अक्सर आपने देखा है उन्हीं के बाइक पे जाते होते थे हम लोग। तो अब कुछ प्लान कर रहे थे लॉन्ग जाने का, तो हमने कहा कि बाइक क्यों ना चेंज किया जाए। तो उसमें आपको पता है फिर एक एवरेज रेंज में, क्योंकि फ़िलहाल तो एडवेंचर बाइक की तरफ नहीं जा सकते थे क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो फ़िलहाल फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते थे, एक सुजुकी GS 150 और एक यामाहा YBR 125G का। तो काफ़ी इस बारे में रिसर्च की है, काफ़ी नॉलेज लिया है इर्द गिर्द के लोगों से, फ्रेंड्स से, कुलीग से, और काफ़ी सर्च के बाद जो है मैंने चूज़ किया है यामाहा YBR-G। चलते हैं बाइक की तरफ और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्यों चूज़ किया है और क्या क्या फीचर्स इसके मुझे अट्रैक्ट किए हैं। दिस इज़ यामाहा YBR-G। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है और आप लोगों की सपोर्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाइक लिया है यामाहा YBR-G। कुछ इसके फीचर्स जो मुझे अट्रैक्ट किए, जिसकी वजह से मैंने ये बाइक परचेज़ किया। मैं ये नहीं कहता कि GS 150 में कोई इशू है या वो, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने उसके एक सोच होती है, अपना मेंटालिटी लेवल है, जिसको जो चीज़ सूट करती है वो परचेज़ करता है। मुझे यामाहा YBR-G जो है वो अट्रैक्ट किया, और इसके मज़ीद फीचर्स आपको थोड़े बहुत बताता हूँ, क्योंकि यामाहा YBR-G के रिव्यूज़ से तो आपको पता है यूट्यूब भरा पड़ा है। तो इसके कुछ फ़ीचर्स आपको बताता हूँ जो मुझे अट्रैक्ट किए, जिसकी वजह से मैंने ये परचेज़ किया है, और एंड में आपको इसकी एक छोटी सी राइड भी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इसकी सस्पेंशन की तरफ। बहुत स्मूथ सस्पेंशन है इसकी, कुछ छोटे मोटे जंप खड़े या छोटी मोटी जो भी है वो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होते। बहुत प्यारी सस्पेंशन है इसकी, सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा है इसका, बहुत कम्फर्टेबल राइड इस पर होती है। क्या उसके अलावा इसके जो स्पीडोमीटर है, जो इसमें डिस्प्ले है, बहुत प्यारा डिस्प्ले है, RPM मीटर इसमें आपको नज़र आता है, उसके अलावा डिजिटल आपको इसमें गियर के नज़र आते हैं, फ्यूल की आपको इसमें गेज नज़र आती है, और बहुत प्यारी और डिसेंट एग्रेसिव लुक एक आपको ये देता है बाइक। उसके बाद इसमें हमें अलॉय रिम मिलते हैं, बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत एक लुक देते हैं। फ़िलहाल इसके ये स्ट्रिप्स वगैरह उतरी हुई हैं इसी हालत में, क्योंकि आज ही लिए है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। तो अलॉय रिम बड़े प्यारे हैं, उसके अलावा फ्रंट लुक जो है इसकी बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आता है YBR जो सिंपल है स्पोर्ट्स का, उसकी भी लुक है लेकिन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और ख़ासकर हमने तो लिया है मोटो व्लॉगिंग के लिए, एडवेंचर के लिए, और एडवेंचर के लिए आपको पता है कि हाइटेड बाइक जो है वो ज़्यादा सूट करता है। फ्रंट इसका मड गार्ड जो है बहुत प्यारी लुक देता है, प्लस इसके जो शॉक्स हैं वो सिंपल YBR से थोड़े ऊँचे हैं। ये इसके जो लाइट्स लगी हुई हैं एक्स्ट्रा, ये पहले से लगी हुई हैं एज़ इट इज़ हैं। क्या बाकी इसमें फ्रंट जो है डिस्क ब्रेक है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत एक स्मूथ ब्रेक है। अच्छा, अक्सर लोग मैंने देखा है वो कहते हैं यार फ्रंट ब्रेक से ना अक्सर लोग गिरते हैं उससे, तो जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि अक्सर लोग जल्दबाजी में जो है ना इसकी ग्रिप एकदम से पुश करते हैं, जिसकी वजह से एकदम स्टक होता है बाइक और लोग गिर जाते हैं। तो बड़ी अच्छी इसकी एक रिज़ल्ट मिलता है अगर आप इसको बिल्कुल लाइटली ग्रिप करते हैं इसकी ग्रिप को, तो बहुत प्यारी और स्मूथ ब्रेक जगह पे बाइक को जैम करता है। बाकी इसके जो विंग्स हैं टैंकी की शेप है, बहुत प्यारी लुक देती है। और एग्जॉस्ट की तरफ आए तो ये जिन भाईजान से मैंने लिया है इन्होंने कोई इसके जेन्युइन एग्जॉस्ट में ऑल्ट्रेशन करके और बफल चेंज करके ये एक एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट बनाया हुआ है, मतलब इसकी एक बड़ी हैबतनाक सी आवाज़ है, ये भी आपको लास्ट में चेक करवाएंगे स्टार्ट करके बाइक। तो बाइक स्टार्ट अप करता हूँ और इसका एक साउंड भी आपको चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
सेल्फ स्टार्ट का तो भैया अपना शशकैप है। अच्छा ये कुछ इसके बैक लुक आपको दिखा दूँ। बैक लाइट जो है इसकी वो एक बड़ी प्यारी और डिसेंट लुक देती है। इंडिकेटर इसके फ्लेक्सिबल हैं, टूटने का ख़तरा नहीं है। स्टैंड इसका फ़िलहाल तो वही लगा हुआ है सिंपल। इंशाल्लाह कुछ, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी लिया बाइक, तो कुछ इसमें मॉडिफिकेशन इंशाल्लाह हम अपने हिसाब से जो है वो करेंगे टूर के हिसाब से। तो हैंड गार्ड्स हैं, फ्रंट वाइज़र है, इसकी बैक टेल जो है टॉप बॉक्स के लिए वो चेंज करनी है। क्रश गार्ड इस पर इंशाल्लाह दूसरा इंस्टॉल करेंगे और अपने हिसाब से इसको बनाएंगे और फिर इसकी एक लुक आपको दिखाएंगे कि मोटो व्लॉगिंग के लिए YBRG कितना प्यारा और डिसेंट लगता है। तो टाइम काफ़ी कम है, सनसेट हुआ हुआ है, लाइट भी कम हो रही है। इसकी एक छोटी सी आपको राइड चेक कराते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ और फिर अपना व्लॉग एंड करते हैं। देखेंगे इंशाल्लाह, अगर तो इसने इरीटेट किया तो चेंज करेंगे इसको, और अगर इसी से हमारा काम चलता है तो इसी एग्जॉस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इस्लामाबाद का वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, दिल तो यही कर रहा है कि एक लॉन्ग राइड करते, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, अंधेरा भी हो रहा है, तो एक शॉर्ट राइड में आपको इसका एक फुल एक्सपीरियंस राइड का बताएंगे। इकोनॉमी रेंज में आता है इसलिए मोटो व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा लोग यामाहा YBRG को प्रेफर करते हैं। जितना सुना था यामाहा YBRG के बारे में और जितना मैं इस बाइक से एक्सपेक्ट कर रहा था, ये बाइक मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है।
बाकी आज फ्यूल टैंक फुल करवाया है, जितनी फ्यूल एवरेज होगी वो भी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि पर लीटर में कितने किलोमीटर करते हैं। वैसे फ्यूल एवरेज के बारे में तो सुना है कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। ये थी फ्रेंड्स बाइक की टेस्ट ड्राइव, उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।